हाय दोस्तों दोस्तों 15 दिन पहले मैंने जामुन से वाइन बनाने का वीडियो अपलोड किया था। तो दोस्तों मैंने बोला था कि जब यह वाइन बन जाएगा तो मैं 15 दिन बाद इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। तो दोस्तों ये मेरी वाइन अब बन चुका है, तो इसका मैं अब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों 15 दिन बाद इस वीडियो में आप देखोगे कि वाइन रेडी हो चुका है और इसको कैसे फिल्टर करूँगा मैं। और दोस्तों ये हमने ये स्पेशल यीस्ट डालकर बनाया था, तो देखते हैं इससे कैसा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों पहले आप ये पहला पार्ट का थोड़ा ये क्लिप देख लीजिए, इसके बाद में हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम वाइन को छानेंगे और फिल्टर करेंगे, तो दोस्तों ये पुराना वीडियो देख लीजिए थोड़ा। दोस्तों यह देखिए हमारा वाइन रेडी हो चुका है। ये दोस्तों 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इसका फर्मेंटेशन होना बंद हो चुका है। अभी हम दोस्तों इस वाइन को छानेंगे कपड़ा के साथ और दोस्तों बाद में इसको फिल्टर करेंगे, तो आप पूरा प्रोसेस देखते रहिए। दोस्तों यह देखिए ये वाइन का कलर कितना बढ़िया आया है। ये छोटा जार में मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला था, इसका कलर भी देखिए बढ़िया आया है। ये देखिए दूसरे कलर का थोड़ा फर्क है। तो दोस्तों चलिए इसको छान लेते हैं।
तो दोस्तों इसको कपड़े के सनने से पहले मैंने दोस्तों कपड़े को अच्छी तरह सैनिटाइज्ड कर लिया है। ये देखिए जी, मैंने इसको उबलते हुए गर्म पानी में रख दिया है 5 मिनट के लिए। ये बिल्कुल जर्म फ्री हो जाएगा इससे। तो आप भी इसी तरह इसको सैनिटाइज कर लीजिएगा पहले कपड़े को गर्म उबलते हुए पानी में रख कर। तो दोस्तों उसको मैं बोतल में डालूंगा। तो दोस्तों बोतल को भी मैंने सैनिटाइज कर लिया है अच्छी तरह। ये देखिए गर्म पानी के साथ मैंने इसको सैनिटाइज कर लिया है। आप भी इसमें बोतल में डालने से पहले बोतल को अच्छी तरह सैनिटाइज करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी मैं दूसरे वाला जार जो है इसको भी मैं फिल्टर करूंगा। तो दोस्तों ये कपड़ा को ज़्यादा प्रेस मत करना क्योंकि इससे वो ईस्ट जो है वो भी वाइन में चला जाएगा। इसको ज़्यादा मत दबाना, सिर्फ हल्का सा ही ऐसे रखना ऊपर। तो दोस्तों यह देखिए मैंने ये बोतलों में डाल ली है वाइन। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया है। ये देखिए ये दोनों वाइन्स का, ये देखिए ये जिसमें पानी कम ज़्यादा डाला था जी वो वाला है। तो दोनों एक जैसा ही बना है दोस्तों बिल्कुल। तो दोस्तों अभी मैं इनको फिल्टर करने के लिए छोड़ दूंगा। इसको मैं जार में डालकर दोबारा, तो मैं इसको दोस्तों एक दिन के लिए छोड़ दूंगा और दोस्तों जो ईस्ट है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ऊपर ऊपर से मैं वाइन को उठा लूँगा, बोतलों में डाल लूँगा। तो दोस्तों इसी तरीका से ज़्यादा बढ़िया रहता है फिल्टर करना। और भी तरीके से फिल्टर इसको किया जा सकता है, लेकिन ये भी तरीका बढ़िया रहता है फिल्टर करने के लिए। तो दोस्तों मैं इसको अच्छी ही तरह ढक्कन लगा कर अभी एक दिन के लिए छोड़ दूंगा। ईस्ट जो है वो नीचे बैठ जाएगा और हम इसको फिर फिल्टर करेंगे कल को। तो दोस्तों यह देखिए अगले दिन, ये देखिए इसका जो ईस्ट है वो नीचे बैठ चुका होगा। अभी मैं ऊपर ऊपर से वाइन को उठा लूँगा, इससे यह बढ़िया फिल्टर होगा। तो दोस्तों यह देखिए बोटल्स को मैंने सैनिटाइज कर लिया है अच्छी तरह। दोस्तों आप भी जब भी ऐसे वाइन बनाओ तो ये बर्तन और ये बोतलों को सैनिटाइज करना मत भूलिएगा। मैं आपको देसी तरीका से सैनिटाइज करना किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर कि इसको कैसे देसी तरीका से और बढ़िया नेचुरल तरीका से सैनिटाइज किया जाए।
तो दोस्तों नीचे नीचे जो है मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं डालूंगा साथ में, क्योंकि नीचे थोड़ा ईस्ट वगैरह बैठा होता है। दोस्तों ये देखिए, ये स्पेशल वाइन वाला ईस्ट डालने की वजह से देखिए नीचे बिल्कुल भी ईस्ट नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों जब हम रेड बनाने वाले ईस्ट से इसको बनाते थे तो नीचे बहुत सारा ईस्ट बैठा हुआ मिलता था हमें, लेकिन ये स्पेशल वाइन वाले ईस्ट से ये बनाने से देखिए बिल्कुल भी नीचे ईस्ट नहीं बैठा हुआ। और दोस्तों मैंने इसका टेस्ट किया था, इसका टेस्ट भी ब्रेड वाले ईस्ट से इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आया है स्पेशल वाइन वाले ईस्ट की वजह से। तो दोस्तों आप भी अगर मंगवाना चाहो ईस्ट को तो अमेजोन से मंगवा सकते हो, आपको 1200-1300 रुपए में 10 पाउच मिल जाएगी। एक पाउच से तकरीबन 1 गैलन यानी कि 20 लीटर वाइन बन जाता है। तो दोस्तों जो नीचे वाला वाइन है जो इसमें ईस्ट मिला है वो मैं अलग बोतल में डाल लूँगा और उसको फिर दोबारा 2-3 बार फिल्टर करूँगा, तो उसको मैं अलग बोतल में डाल लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा वाइन रेडी है, ये देखिए बोतलों में, दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। दोस्तों बहुत ही मस्त वाइन बनी है। दोस्तों कल मैं ग्लो की वाइन बनाने की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।